वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। और जैसे कि आप सब लोग को पता है, मैं ब्लॉग आजकल थोड़ा सा रेगुलर ट्राई करता हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए मेरा डेली लाइफ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर भी बहुत सारे लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आज आप लोग को लेके जाने वाला हूँ गुवाहाटी, और गुवाहाटी मैं शिवसागर से आज क्यों जा रहा हूँ बहुत सा आप लोग के साथ मैं बातें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो पे। और फिलहाल मैं गुवाहाटी कल मॉर्निंग पहुँचने वाला हूँ, लेकिन आप लोग इस वीडियो फिर लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि आप जल्दी पहुंचने वाले हो। 11 मिनट्स ब्लॉक पे ही आप लोग पहुंच जाओगे। मैं क्यों जा रहा हूँ आप लोग को हर एक सीक्स गुवाहाटी का सिचुएशन अभी कैसा है फिलहाल, कहाँ कहाँ अभी पानी है, सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा अगर मेरे को देखने को मिलते हैं तो फिर। और फिलहाल मेरा कुछ इमरजेंसी था जो कि मेरे को जाना पड़ रहा है अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप सब लोग को पता है आसाम पे फ्लड हो रहा है, और फ्लड रिलीफ के लिए बहुत सारे लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि 1 रुपया हो 100 रुपया हो कुछ शेयर करने के लिए, डोनेट करने के लिए। आप लोग को फ्लड रिलीफ अगर हम लोग के से हमसे कुछ होता है तो फिर मैं करूँगा, और मैं आप लोग के साथ वो चीज़ शेयर नहीं करने वाला हूँ। फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप लोग के पास कोई भी एक स्मॉल पेनी मतलब 1 रुपीस भी आप अगर शेयर करना चाहते हो तो आप आसाम रिलीफ फंड पे शेयर कर सकते हो ताकि लोगों का हेल्प हो जाए। और जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करिए लोगों को जो कि जो आसाम फ्लड में अभी परेशानी पे गुजर रहा है, और जल्दी से विश करता हूँ कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। तो चलिए ये वाला वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं, और ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप लोग को थोड़ा सा जानकारी मिल जाए कि कहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है मेरे को और आपको भी। तो चलिए हम लोग अभी निकल गया है गुवाहाटी के लिए, और हम लोग वजीद NRC अभी आ रहा है, और जैसे कि हम आपको रात का व्यू दिखाने वाला है, तो जो कि हम लोग बस पे जाने वाला है और बस अभी तक आया नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, और नहीं आया अभी तक, थोड़ा सा टाइम है, ये सब मजाक कर रहा था थोड़ा सा। तो चलिए अभी देखते हैं। सब लोग देख सकते हो ये डीजे लाइट या डिस्को बार पे हम लोग नहीं आए, एक बस पे आए। ये सान्नी बार है जो कि हम लोग अभी जाने वाला है गुवाहाटी पे, और हम तीनों सिर्फ जाने वाला है जो कि यहाँ पे कोई लोग अभी तक आया नहीं है। तो आरसी बहुत तो वाजिद बहुत खुशी है क्योंकि हम लोग को पार्टी देने वाला है। मुझे क्यों खुश मुझे क्यों है भाई? तो चलिए देखते हैं फिर। पहली बार AC बस में हम लोग को गर्मी लग रहा है, और यहाँ पे फैन ग्लास भी हम लोग ओपन नहीं कर सकता। ये देखिए वाजिद कुछ बोल दो। मैं मर जाऊंगा। अभी फिलहाल पेट्रोल पंप पे अभी पेट्रोल डाल रहा है, अभी डीजल डाल रहा है या तो डीजल का है। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुँच गए कोरिशन जो कि आप लोगों को देखने को मिला है, और फुल्ली अभी बहुत से लोग अभी आ गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये बंदा 2 मोबाइल लेके आया है, और अभी भी वेबसाइट बना रहा है, आप देखने को मिला ऐसा है। और एक मोबाइल से वो गाना सुन, देखिए कुछ खा लिया है जितने मतलब है जो कि हम लोग का पास यहाँ पे रखा हुआ था, और ये है प्योर रात का। चलिए अभी हम पहुँच गए हैं गुवाहाटी। अभी हम लोग जा रहे हैं 6 माइल, जो कि अभी इतना मॉर्निंग में कहीं पे जाने वाला नहीं था। वैसे वाजिद और आरशी चला गया वो अलग के डेस्टिनेशन पे ताकि वो फ्रेश हो सके, और हम लोग फिर से मिलने वाला है 10 बजे या 11 बजे। तो तब तक मेरे को भी थोड़ा सा फ्रेश होना पड़ेगा, और उसके लिए मैं जा रहा हूँ अभी 6 माइल वो अंकल के घर। और एक बात है, अभी जो कि मेरे को देखने को मिला है गुवाहाटी 6 माइल तो ठीक है, यहाँ पे इतना पानी नहीं है जो कि आपको भी देखने को मिल रहा है शायद। ये देखिए पूरा। तो अभी मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मेरे को पैसा निकालना पड़ेगा, तो चलिए पैसा निकाल लेते हैं। और मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नया ATM मिल गया, और ये ATM मैं आपको उस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर। यहाँ पे AC चला हुआ नहीं है। ब्लॉग बनाने को मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि आज का दिन बहुत हेक्टिक निकला, और क्योंकि
मेरे पास दो काम था जो कि मेरे को एजी ऑफिस में भी जाना था पापा को कुछ पापा का कुछ काम करने के लिए, और मैंने वो काम कंप्लीट करके आ गया था। और मेरे पास मेरे को 2 घंटा वहाँ पे लग गया, क्योंकि वहाँ आप लोग को शायद पता है गवर्नमेंट सर्विसेज बहुत स्लो काम करता है, बहुत स्पीड नहीं, बहुत स्लो काम करता है। जो भी करता है बहुत अच्छे से करता है, लेकिन बहुत टाइम लेकर करता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया वहाँ पे, और अभी फ़िलहाल मैं गुवाहाटी सेंट्रल के आगे हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त वो आ रहा है और अभी हम जाने वाले हैं। वो जिस काम के लिए आया था, नेक्स्ट काम, मतलब नेक्स्ट जो कि हम एक मंजिल के लिए आया था, हम लोग का कुछ डील होने वाला है आज, तो उस डील को कम्प्लीट करने के लिए हम लोग आ गए हैं। और मैं अभी फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ सेंट्रल मॉल के सामने। और जैसे कि आप लोगों को पता है गुवाहाटी सेंट्रल में सबको पता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, और ये गूगल मैप पे भी मिल जाएगा लाइव लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हो। और फिलहाल वो लोग आ रहे हैं, अभी ये मेरे को कॉल किया था, जल्दी पहुँच जाएगा। और मैं क्या खाया आपको क्या दिखाने के लिए, मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स खाया है, बाकी कुछ खाया नहीं है अभी तक। तो चलिए वहाँ पर जाके क्या करता है आप लोगों को दिखाता है। मैं और वाजी, तो ये आरसित जो कि आपको देखने को मिले, यहाँ पे लाइट नहीं है, फिर भी हम लोग फ्लैश चला के आप लोग को दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो हम लोग ने डील कर लिया है गुवाहाटी के पार्टी के साथ, जो कि आप लोग को बाद में देखने को मिल जाएगा, और हम लोग कैसा टाइप का डील कन्फर्म किया है वो सब आप लोग के साथ बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक मेरे चैनल पर आपको सब्सक्राइब करके रहना पड़ेगा, ठीक है ना आरसित। फाइनली अभी हम लोग का पूरा हैक्टिक डे चला आज, और अभी मैं फिलहाल अभी शिवसागर निकल जाऊंगा जल्दी। और ये वाजिद, वाजिद का आज तो पूरा बुरा हालत हो गया, क्योंकि वो कितना दूर तुमने पैदल गया? आधे घंटे तक। और ये आधे घंटे मेरे पैर पे एक इन्फेक्शन है, उसके साथ लेक है, हाफ एन आवर वो एक्चुअली कुछ यात्रा करने के लिए चला गया था, मोह माया यात्रा। अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि ISBT का लुक कैसा है गुवाहाटी। तो चलिए हम लोग पहुँच गए हैं, अभी काउंटर पे जा रहे हैं जो कि 48, और वाजिद ऐसा कर रहे हैं कि उसको सीट मिलने वाला नहीं है, तो आपको शायद देखने को मिल रहा है ये बहुत क्राउड है। गुवाहाटी का ISBT बहुत अच्छा है, लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, बहुत सुंदर से यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। फाइनली हम लोग को टिकट मिल गया है, और डिपार्चर होने के लिए 9 बज जाएगा, जो कि अभी हम लोग का 7:30 हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। और फिलहाल अर्षित आ रहा है, तो क्योंकि वो वेट कर दिया था सिटी पे, तो फिलहाल थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो तब तक क्या करना है, तब तक हम लोग को सिर्फ रेस्ट लेना है, सोना है बस वही, और कुछ काम नहीं है उसके अलावा। और कौन सी पास पर हम लोग जाने वाले हैं या क्या 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 हुआ था एक दिन, तो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज का दिन बहुत हेक्टिक हो गया था, क्योंकि हम जो कि मॉर्निंग पहुँचा था, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके मेरे को AG ऑफिस जाना पड़ा, और AG ऑफिस में थोड़ा सा काम था, और काम मतलब आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिस में कितना टाइम लगता है। तो उसके बाद हम लोग गया, हम लोग का जो भी कॉन्ट्रैक्ट था तो वो सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने कर लिया है कि नहीं वाजिद? तो वाजिद अभी थोड़ा सा बिजी है, क्योंकि उसका एक अलग टेंशन आ गया है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। और सक्सेसफुली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, अभी हम लोग का सिर्फ एक ही काम है, हम लोग को काम करना है, उसके बाद हम लोग को फिर से बुलाएगा वो लोग, तब तक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला है और हम लोग वो एप्लीकेशन बनाने वाला है, तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अभी मैं कौन सी गाड़ी पे जाने वाला हूँ सिर्फ वही दिखाने वाला हूँ आपको। और ये गुवाहाटी का जर्नी इतना थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का हो गया है, तो इसलिए मैं आपको कुछ एक्साइटेड चीज़ नहीं दिखा पाया, तो फिर भी मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग से थोड़ा सा एक्साइटेड कुछ एक अलग चीज़ जो कि आपको थोड़ा सा सीखने के लिए मिलता है दिखाने के लिए, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए फिर कौन सा बस पे जाता है, और रात का व्यू भी थोड़ा सा दिखा देगा।